स्वागत करता हूँ आपका आलिस की मूवी अपडेट की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आसिम रियाज की और उनसे पूछा गया बिग बॉस 13 के बारे में कुछ क्वेश्चन, जिनका उनका क्या रिएक्शन था उन सवालों में। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी आसिम रियाज का एक लेटेस्ट इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि पूछता है बिग बॉस 13 के बारे में कि इन 13 के ये जो कंटेस्टेंट हैं, जो इनके सामने रखे जाएंगे, जो इनके नाम, उनके बारे में वो क्या क्या सोचते हैं। तो इस इंटरव्यू में उनके सामने जैसे ही सबसे पहले शहनाज गिल का नाम रखा गया, तो आसिम रियाज ने कहा कि वो कुछ भी इनके बारे में कहना नहीं चाहते, वो बिग बॉस 13 के बारे में कुछ नहीं सोचते। उनका बिग बॉस 13, वो बिग बॉस के बारे में या उनसे कंटेस्टर के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। इसमें वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं और वो काम के बारे में और ऐसे ही फालतू बातों में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि अगर वो कुछ अभी बोलते हैं तो वो बात कुछ और बन के आएगी, इसका उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बात है, यह इन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है और उन्होंने कहा है कि वो बिग बॉस 13 से निकलने के बाद अपने फैंस के बारे में सोचना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, खुद मोटिवेट होना चाहते हैं। तो ये कुछ शब्द जो आसिम रियाज ने लाइन कही है कि वो बिग बॉस 13 के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हालांकि इससे पहले भी उनसे काफ़ी बार जो बिग बॉस का लेटेस्ट सीजन था उसके बारे में भी काफ़ी कोशिश करी गई कि वो कंटेस्टेंट के बारे में कुछ कहे, कुछ बोले, परंतु आसिम रियाज ने ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिए थे, वो इससे दूरी बना के रखी थी उन्होंने। और अभी उन्होंने यह इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वो बिग बॉस के सीजन में या इसके कंटेस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं।